नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। कहते हैं कि एक दूसरे पे भरोसा करने के लिए और जीवन भर साथ चलने के लिए कई बार एक पल ही काफी होता है और कई बार सालों का प्यार और साथ भी कम पड़ जाता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया यूपी के संभल से, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब फेंक दिया और फिर खुद जहर खा लिया। तो चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संभल कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले घरेलू विवाद में पति ने पत्नी पे तेजाब फेंककर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों ने दंपति को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उनको रेफर कर दिया गया। मुरादाबाद ले जाते समय पति ने दम तोड़ दिया, जबकि महिला का मुरादाबाद के अस्पताल में उपचार चल रहा है। महिला के भाई की तहरीर पे पुलिस ने पति और देवर समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं 24 मई की सुबह करीब 11:30 बजे नगर के एक मोहल्ले निवासी दंपति में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। घर में पत्नी के अलावा एक बेटी थी। विवाद ज्यादा बढ़ा तो युवक ने पत्नी पे तेजाब डाल दिया, इसके बाद खुद भी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। महिला ने बताया कि 24 मई की सुबह उसके पति बाहर से घूम कर आया और थप्पड़ जड़ दिया। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उन्होंने तेजाब फेंक दिया, इससे वो झुलस गई। वहीं परिजनों ने बताया कि दंपति में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद रहता था। ताजुब की बात यह है कि पति पत्नी की शादी को 25 साल से ज्यादा हो चुके थे, दोनों के जवान बच्चे हैं। हादसे के बाद पत्नी जहां जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, तो वहीं पति ने आत्महत्या कर ली। जवान बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया। पत्नी का शरीर लगभग 60% जल गया है। पति ने पत्नी पे तेजाब डाला, जिसके बाद उसकी हालत देखकर वो डर गए। फिर आरोपी ने जहर खा लिया। पत्नी की हालत देखकर परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर आए, जहां से उसको जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आरोपी पति का नाम रिजवान था। ये पूरी वारदात सदर कोतवाली के नई सराय की है। यहाँ के रहने वाले रिजवान ने अपनी पत्नी के ऊपर एसिड फेंक दिया और जहरीले पदार्थ खाकर खुद अपनी आत्महत्या कर ली। पति का पत्नी फरजाना से घरेलू विवाद चल रहा था, लेकिन थमने के बजाय दंपति में विवाद बढ़ता ही चला गया। सदर CEO संभल अनुज कुमार चौधरी हादसे की खबर लगते ही जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। हालत में सुधार नहीं होने पर डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार देकर रिजवान और फरजाना को हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन बीच रिजवान की मौत हो गई। कोतवाली प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि फरजाना के भाई की तहरीर पे फरजाना के पति रिजवान, ननद राणा, सहना और देवर अजार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं एसिड अटैक से झुलसी फरजाना ने जिला अस्पताल में बताया कि पति एक दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद कई दिन छुट्टी लेकर घर पे ही रहता था। घर का खर्च नहीं चल पाता था, तो वो रोजाना मजदूरी पे जाने की बात पति से कहती थी। इसी बात को लेकर वो नाराज हो जाता था और उसके साथ मारपीट करता था। फरजाना ने कहा कि 24 मई को वो दवा लेने जा रही थी, तभी पति रिजवान आया और उसे थप्पड़ मारने के बाद अचानक बोतल का ढक्कन खोलकर उसके ऊपर एसिड फेंक दिया। वही जानकारी में ये बात सामने आई है कि पति पत्नी में पति के काम को लेकर विवाद रहता था। फरजाना अक्सर पति से कहती थी कि घर से बाहर निकालो, काम कर लो। रिजवान मेहनत मजदूरी कर किसी तरह परिवार का पेट पालता था। घर में पैसे की तंगी से ऐसे हालत बने थे। पति रोजाना मजदूरी कर पैसा कमा कर लाने को कहती थी। इसी बात पे घर में कलह होती थी, जिसकी वजह से नौबत यहां तक आ पहुंची। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।